राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज घर के सदस्यों के साथ सामूहिक प्रार्थना का आह्वान किया था, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भोपाल में निज निवास पर धर्म पत्नी के साथ सामूहिक संघ प्रार्थना में भाग लिया। अनुराग आपसे कर रहे हैं अनुराग आपसे कर लो ना। सडन हुआ 23 तारीख की रात को, और इन 40 दिनों में मंदिर पूरे बंद रहेंगे। पुजारी जो है पूरे मंदिर और जितने भी धर्म स्थल सब बंद हो गए, और इस मंदिर के पुजारी की आय सीधी सीधी उस मंदिर में जो चढ़ावा या मंदिर में पूजा से होती थी सब बंद हो गई। मैंने मांग की थी कि न केवल मंदिर के पुजारियों बल्कि और सभी धर्मों के जो धर्म स्थल हैं उन लोगों को कुछ न कुछ सहायता की जाए, और 10,000 रुपये सब मंदिरों के पुजारी और बाकी सब दिया नहीं। पर अब थोड़ी थोड़ी कोशिश है, कुछ सामान लोगों ने किया है, आटा दाल चावल पहले भी देते रहे और अब भी यहाँ पर दे रहे हैं, और जो कुछ भी बनेगा क्योंकि एक पुजारी है ब्राह्मण जो दक्षिणा बन सकेगी वो भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने एक लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जो मध्य प्रदेश के या भोपाल के जो ब्राह्मण, निश्चित तौर पर 20 ब्राह्मण जिसमें 2-3-4 भोपाल जिले के हैं बाकी विदिशा जिले के हैं, वो औरंगाबाद में पूजा करने गए थे और वहाँ पर 20 तारीख से पिछले महीने ही फंसे हुए हैं, और आज पूरा एक महीना हो चुका है। मैंने बार बार कोशिश की, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि इनको जैसे और स्टूडेंट्स और इनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, इन जो पूजा करने गए थे पूजा पाठ करने ब्राह्मण 20 इनको भी औरंगाबाद से लाने की व्यवस्था शीघ्र से सीख लिया, क्योंकि उनके कुछ लोगों के साथ फैमिली भी है और वो फंसे हुए हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और वो बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी दबा करके मुख्यमंत्री जी दूर करें। एक बार फिर से 5 किलो 40 दिन कैसे चलाएगा आदमी? मंदिर बंद है, जितने धर्म स्थल हैं वो सब बंद है। हमने मांग की थी कि मंदिर के जो पुजारी जिनका काम ही उससे चलता है, जो पूजा पाठ होती है वहाँ से उनका एक तरह से वो काम होता है, उनका दक्षिणा आती है, उन लोगों को 10,000 रुपये दिया है, लेकिन शासन ने इस बात को सुना नहीं, मुख्यमंत्री ने सुना लिया। और हमने कहा था कि न केवल मंदिरों के बल्कि और भी जो धर्म स्थल हैं सभी उनके जो धर्म गुरु हैं उन सबको ही सहायता की जानी चाहिए, लेकिन आज तक की नहीं। हमने कोशिश की आज कि कुछ सामान खाने पीने का वो दे, कुछ दक्षिणा जो बन सकेगी वो दे, और साथ ही एक और निवेदन किया है मैंने मुख्यमंत्री जी के, 20 ब्राह्मण भोपाल जिले के और विदिशा जिले के महाराष्ट्र के औरंगाबाद गए थे, वो फंस गए पूजा पाठ के लिए, उनके साथ फैमिली भी है, उनकी परेशानी है और वो आना चाहते हैं, कई कोशिश हो चुकी नहीं हुई। कल मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को पत्र लिखा है कि इनको लाने की व्यवस्था की जाए, जैसे बाकी की जा रही इनकी भी की जाए, जो आ सके और अपने घर पहुँच सके। क्या लग रहा है क्यों देरी हो रही है, क्योंकि आप लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये करना था, तो जिस दिन ओथ ली थी मुख्यमंत्री उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री ये 2-4 मंत्री बना देना था, तो बनाए नहीं। अब लड़ाई हो गई शुरू कोरोना से, तो मैं सोचता हूँ कि मंत्रिमंडल की उठापटक को आपस में लड़ें, विधायक इनके नेता कुछ जो कांग्रेस से गए हैं वो लड़ें, ये लड़ें, इसकी वजह ये है कि अब कोरोना से लड़ाई लड़ें, जब कोरोना से लड़ाई कम्प्लीट हो जाए तब मंत्रिमंडल का विस्तार करें, अब तो कोई मतलब नहीं है, देर हो चुकी है। क्या लग रहा है क्यों देरी हो रही है, क्योंकि आप लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये करना था, तो जिस दिन ओथ ली थी मुख्यमंत्री उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री ये 2-4 मंत्री बना देना था, तो बनाए नहीं। अब लड़ाई हो गई शुरू कोरोना से, तो मैं सोचता हूँ कि मंत्रिमंडल की उठापटक को आपस में लड़ें, विधायक इनके नेता कुछ जो कांग्रेस से गए हैं वो लड़ें, ये लड़ें, इसकी वजह ये है कि अब कोरोना से लड़ाई लड़ें, जब कोरोना से लड़ाई कम्प्लीट हो जाए तब मंत्रिमंडल का विस्तार करें, अब तो कोई मतलब नहीं है, देर हो चुकी है। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।